नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि 8 और 9 जुलाई को पीएम मोदी रशिया जाते हैं, जहां पे इनका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। कहने की जरूरत नहीं है कि भारत और रशिया के बीच में संबंध काफी अच्छे हैं, जहां पे रशिया भी कोशिश करता है कि वो किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट का इस्तेमाल ना करे जो हमारे खिलाफ जाए, और भारत की तरफ से भी यही अटेम्प्ट रहता है कि हम कोई भी ऐसा स्टेटमेंट इशू ना करे जो डायरेक्टली अगेंस्ट हो रशिया के। इसी बीच जैसा कि कहावत है कि बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को यह उम्मीद था कि पीएम मोदी जब रशिया जाएंगे तो ये कुछ ऐसा कहेंगे जो कि फेवरेबल रहेगा यूक्रेन का और अगेंस्ट रहेगा रशिया का। अगर आप बहुत ही न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चीजों को देखेंगे तो समझ में आएगा कि हर देश के अपने इंटरेस्ट होते हैं, चाहे वो रशिया हो या भारत हो। और जहां तक बात किया जाए भारत और रशिया का, तो हमारे बहुत सालों से बहुत ही अच्छे रिलेशन है, जहां पे भारत और रशिया दोनों के द्वारा ये कोशिश किया जा रहा कि उस रिश्ते को और किस तरीके से इवॉल्व किया जाए और किस तरीके से रशिया और भारत के बीच में और भी बढ़ चढ़कर व्यापार ट्रेड किया जाए। इसी बीच प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का ये कहना या ये सोचना कि वो काफी डिसअपॉइंटेड हैं पीएम मोदी के रशिया विजिट से, ये अपने आप में काफी बच्चों वाला स्टेटमेंट हो जाता है। कहीं पे भी अगर क्लैश होता है या कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बनता है, तो जो एक समझदार लोग हैं वो यही कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली उस देश के साथ बात किया जाए। लेकिन अगर बात किया जाए प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के बारे में, तो जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू नहीं हुआ था, तब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे थे जिसको पढ़ के लगता कि ये स्टेटमेंट अपने आप में कितना ही बेवकूफों वाला स्टेटमेंट है, जहां पे किसी भी तरीके से यूक्रेन रशिया के सामने स्टैंड हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू नहीं हुआ था, उस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस बढ़ चढ़कर यूक्रेन को पुश कर रहे थे, और शायद उसी भुलावे में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को यह लगना शुरू हो गया था कि यूक्रेन रशिया को हरा देगा। इसी बीच रशिया और यूक्रेन के बीच में ये जो वॉर है, लगभग 2.5 साल हो गए हैं इसको, जिसमें कि लगभग 20-25% यूक्रेन अपने एरिया को गवा चुका है, और यूक्रेन अपने उस एरिया को गवाया है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से यूक्रेन को सबसे अधिक रेवेन्यू जनरेट होता था। उसके बाद ये वॉर जितना ही लंबा जाएगा उतना ही यूक्रेन को नुकसान होगा। और वहीं पे अगर बात किया जाए भारत और रशिया का, तो रशिया भारत में सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट को डेवलप कर रहा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि वो आपके कारण अपने जो पर्सनल रिलेशन है उसे खराब करें। 8 तारीख को जिस दिन पीएम मोदी रशिया पहुंचते हैं, उस दिन रशिया के द्वारा कुछ मिसाइल्स दागे जाते हैं यूक्रेन की तरफ, जिसके बारे में ये कहा जा रहा कि कुछ 100 या उससे भी अधिक बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा, जिसमें कि एक बच्चों का अस्पताल भी था। और इसी अटैक के बारे में कहा जाता है कि कुछ 37 लोगों की इस अटैक में जान गई है, जिसमें से कुछ बच्चे थे कुछ बुजुर्ग थे। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि कहीं पे भी अगर अटैक होता है या एक वॉर लाइक सिचुएशन होता है, तो वहां पे सिविलियंस की डैमेज होती ही होती है। सो यहां पे फिर घुमा के फिर वही पॉइंट हो जाता है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके आप जो ट्वीट कर रहे हैं, इससे कहीं बेहतर है कि आप उस देश के साथ डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन में उतरें जिसके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट हैं। और उसके बाद जो पीस प्रोसेस है, ये पीस प्रोसेस भी यूक्रेन बढ़ चढ़कर नहीं कर रहा, और कहीं ना कहीं ये हर बात में यूएस का अप्रूवल ले रहा। एक जो बहुत ही बड़ी बात यूक्रेन की तरफ से कही गई है, वो ये है कि वो सीज फायर के लिए तभी तैयार होंगे जब व्लादिमीर पुतिन वो सारे एरियाज को वापस कर देंगे जो इस वॉर में रशिया जीता है। तो कहने का मतलब है कि आप नेगोशिएशन तब करते हैं जब आप एक एडवांटेजियस पोजीशन पे रहते हैं, लेकिन जब आप लगातार किसी भी वॉर को हार रहे हैं, तो आपको सामने वाले के टर्म्स एंड कंडीशन को मानने होते हैं, ये नहीं कि आप किसी के कहने पे सामने वाले को अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन देंगे। उसके बाद अगर बात किया जाए, तो ऐसा नहीं है कि भारत ये नहीं चाहता है कि वो इस वॉर को रोके या किसी भी तरीके से इस वॉर को रोका जाए। आप बहुत ही न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को रह के देखिए और सोचिए कि अगर कल को व्लादिमीर पुतिन ये मान जाते हैं भारत के कहने पे कि वो इस वॉर को रोकना चाहते हैं, तो ये डिप्लोमेटिकली और जियोपॉलिटिकली हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा विन का सिचुएशन रहेगा। पिछले साल मार्च अप्रैल के महीने में ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में चाइना ने एक पीस डील क्रैक किया था। उसके बाद जो चाइना का इमेज था और जो प्रेजेंस था वो काफी बढ़ गया था। तो मोर और लेस अगर कोई भी देश किसी भी तरीके से अगर वॉर रुकवाने में सक्षम होता है, तो वो चीज काफी फेवर में रहता है। अब यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग है कि क्या व्लादिमीर पुतिन हमारे पीएम के कहने पे इस वॉर को रोकेंगे, क्योंकि कहीं पे भी अगर वॉर रुकता है तो वहां पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। हर देश अपने हिसाब से काम करता है, अपने इंटरेस्ट को सबसे आगे रख के काम करता है। और खास करके अगर बात किया जाए, तो ऐसा
नहीं है कि भारत को रशिया यूक्रेन के वॉर में नुकसान नहीं हुआ है। हमारे यूक्रेन के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं, जहां पे हम यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल लेते थे और भी बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते थे वो हम मंगाते थे। क्योंकि रशिया और यूक्रेन वॉर के कारण क्या हुआ कि वो जो पूरा ट्रेड रूट था वो रुक गया, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा फेज आया था 2022 के आसपास जब भारत में जो सरसों का तेल था इसका कीमत काफी बढ़ गया था। तो कहने का मतलब है कि भारत हर मुमकिन कोशिश करेगा कि इस वॉर को रोका जाए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक मिनट के लिए तो व्लादिमीर पुतिन ये सोच सकते हैं कि इस वॉर को रोका जाए या यूक्रेन सोच सकता है कि इस वॉर को रोका जाए, लेकिन जिस तरीके से कॉन्टिन्यूसली पुश किया जा रहा है यूएस के द्वारा यूक्रेन को, जहां पे यूक्रेन को कंप्लीट तरीके से एक प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा, पॉसिबली हर टाइप का सपोर्ट किया जा रहा है यूक्रेन को, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा रहा, वेपन्स भेजा जा रहा और यूक्रेन को कोशिश किया जा रहा है कि वो इस वॉर में बना रहे, ये बात प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के अलावा ऑलमोस्ट हर किसी को समझ में आ रहा। इसी बीच जो एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया है भारत के लिए वो ये है कि क्योंकि भारत और रशिया के बीच में संबंध अच्छे हैं, इसलिए यूएसए ये एक्सपेक्ट करता है भारत से कि अगर हमारे पीएम कोशिश करे तो रशिया इस वॉर को रोक देगा या रोक सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये स्टेटमेंट अपने आप में काफी बड़ा स्टेटमेंट है और जो कि हमारे फेवर में काफी है। लेकिन साथ में इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि यूएसए कभी भी ये नहीं चाहेगा कि भारत किसी भी तरीके से रशिया के साथ अपने रिलेशन को और भी मजबूत करे, इसलिए पॉसिबली वो हर तरीके का हथकंडा का इस्तेमाल करेगा जिससे वो किसी भी तरीके से भारत को अपने नजदीक खींचे। इसी बीच उनके तरफ से ये भी कहा जाता है कि यूएसए और भारत के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जहां पे यूएसए और भारत के अपने जो मसले हैं उसको रखते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। और कहीं ना कहीं इसी स्टेटमेंट में यूएस ये भी कहता है कि जिस तरीके से भारत और रशिया क्लोज आए हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी कंसर्न की बात है यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत ही न्यूट्रल तरीके से सभी चीज़ों को देखेंगे तो हर देश के पास अपने एजेंडा है, हर किसी के पास अपने इंटरेस्ट है, जहां पे यूएस कभी भी नहीं चाहेगा कि रशिया एक स्ट्रॉन्गर फोर्स रहे और साथ में रशिया भी कभी नहीं चाहेगा कि यूएस एक स्ट्रॉन्गर फोर्स रहे। इस बीच में हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हम देखें कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो कितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।